हाय गाइस, वेलकम टू नॉलेज टॉपिक। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्विटर अकाउंट हैकिंग के बारे में और बिटकॉइन स्कैम के बारे में। जी हाँ, अभी रिसेंटली में 16 तारीख के काफी अकाउंट हैक हुए हैं इन यूएस, जिसकी वजह से यूएस में काफी हलचल मच चुकी है। जी हाँ, जिन लोगों का अकाउंट हैक हुआ है, ऐसा नहीं कि वे लोग कोई आम इंसान थे, वे लोग काफी हाई प्रोफाइलिंग और बड़े बड़े लोग थे। इलॉन मस्क, जो बाइडन, फार्मा प्रेसिडेंट बराक ओबामा, बिल गेट्स, एप्पल कंपनी, उबर कंपनी, ऐसे लोगों का अकाउंट हैक हुआ है। तो यहाँ पर तो क्वेश्चन उठता ही है कि ऑन ट्विटर कि कैसे यह सब हो गया। देखिए, हैकर के द्वारा इन लोगों का अकाउंट हैक करने के बाद पैसे का डिमांड भी किया गया लोगों से। जी हाँ, इन्हीं लोगों के अकाउंट से ट्वीट किया गया कि आप लोग 1000 रुपीज़ दीजिए, आपको 2000 रुपीज़ दिया जाएगा बैक, वो भी बिटकॉइन में। जी हाँ, फिर अब क्या था, लोगों ने पैसा ट्रांसफ़र करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से बाद में पता चला कि यह तो एक स्कैम है, ना कि कोई स्कीम। जी हाँ, अब फिर देखिए आगे और बात आती है, लोग बिना जाने समझे ऐसे कैसे पैसे सेंड करने लगे। देखिए, जिन लोगों के अकाउंट हैक हुआ है और जिन लोगों के अकाउंट से यह ट्वीट किया गया था कि आप 1000 रुपीज़ दीजिए और हम आपको 2000 रुपीज़ रिटर्न करेंगे, वे लोग उन लोगों पर काफ़ी लोग ट्रस्ट करते हैं। और देखिए, COVID-19 वैसे चल रहा है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी बढ़ चुका है, तो लोगों ने सोचा कि यह एक स्कीम हो सकता है लोगों का हेल्प करने के लिए, क्योंकि लोग एक दूसरे का काफ़ी हेल्प भी कर रहे हैं इस COVID-19 में, तो लोग ने सोचा। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो इन लोगों के अकाउंट से ट्वीट किया गया था, आई एम गिविंग बैक टू माई कम्युनिटी ड्यू टू COVID-19, इफ़ यू सेंड $1000 आई विल सेंड बैक $2000, और नीचे लिंक भी दिया गया हुआ है। और यह काम सिर्फ 30 मिनट के अंदर करना था। जी हाँ, अगर 30 मिनट ज़्यादा आप समय लेते हैं तो आपको बैक नहीं पैसा मिलेगा और आपका कोई मान्य नहीं होगा। तो देखिए, यहाँ जो ये हैकर है, यहाँ पर बहुत आसानी से और बहुत चालाकी से बहुत ज़्यादा पैसा गेन करने का कोशिश किया, वो भी कम समय में। सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर राइज होता है ऑन ट्विटर। जी हाँ, जिसकी वजह से लोग काफ़ी क्वेश्चन करने लगे ट्विटर से। तो ट्विटर तरफ से यह स्टेटमेंट आया, जैक जो कि CEO हैं ट्विटर के, तो उनका कहना है कि जो भी प्रॉब्लम है उसे हम जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और ट्विटर सपोर्ट की तरफ से काफ़ी स्टेटमेंट आया, ट्विटर सपोर्ट का यहाँ पर कहना है कि जो भी ट्वीट हुए थे उनको रोका जा रहा है और सभी का पासवर्ड चेंज किया जा रहा है, जो भी प्रॉब्लम था सब सही किया जा रहा है। उनका कहना है कि जो यह हैकिंग हुई है, इसका मेन रीज़न हो सकता है जो एम्प्लॉयज़ हैं इन ट्विटर, उनके द्वारा यह इन्फॉर्मेशन शेयर किया गया हैकर तक, या हैकर गेन किए इन्फॉर्मेशन इन एम्प्लॉयज़ से। तो यहाँ पर अब इन्वेस्टिगेशन की बहुत नीड है। अब हम बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में। जो हैकर थे, वह जो डिमांड किए थे लोगों से पैसा, वो भी बिटकॉइन में किए थे। ऐसा क्यों? देखिए, जो बिटकॉइन है एक डिजिटल फॉर्मेट है और इसको एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रांसफ़र करना बहुत आसान होता है, जिसकी वजह से, और इसमें यह भी नहीं पता चलता कि पैसा कहाँ से आ रहा है और पैसा कहाँ जा रहा है, जिसकी वजह से हैकर को पकड़ना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको यह वीडियो अच्छा लगा दोस्तों। अगर आप सबको यह वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाएं। और अगर आपको इसी तरह का वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताएं, और किस टॉपिक पे चाहिए वो भी बताएं। अगर दोस्तों कोई कमी हुई वीडियो में तो वो भी बताएं। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।